फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में 18 तारीख से 24 अप्रैल तक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जनपद फिरोजाबाद में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वरिष्ठ सहायक परिवहन अधिकारी राजेश कर्दम एवं संभागीय निरीक्षक प्रावधिक अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम एआरटीओ कार्यालय के सारथी भवन में संपन्न हुआ। सड़क सुरक्षा सप्ताह, जैसा कि इसके शब्दों में ही निहित है, सड़क पर सबकी सुरक्षा, न केवल चलने वालों की, चाहे वाहन से चल रहे हो, चाहे पैदल चल रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार से चल रहे हो, चाहे रोड ही क्यों न क्रॉस कर रहे हो, हर व्यक्ति की सुरक्षा कैसे होगी यह दिमाग में बैठा के जो नियम है उसका पालन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने की दिशा में यह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और जगह जगह पर कार्यक्रम चलते हैं, जिससे अवेयरनेस फैले और इसकी पुनरावृत्ति इसलिए हर साल की जाती है, हर समय समय पर इस तरह के अभियान इसलिए चलाए जाते हैं कि लोगों की आदत में शुमार हो जाए और उनको महसूस होना चाहिए कि ज़िंदगी जब वो बचाते हैं या उनकी खुद की ज़िंदगी बचती है, उनके परिजनों की ज़िंदगी बचती है। जो सप्ताह मनाया जा रहा है, ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के क्रम में मनाया जा रहा है, इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जैसे हेलमेट पहने और इनके यातायात नियमों का पालन करें, इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उनको कम करने के लिए बहुत सहायक हैं, इसलिए सरकार हर साल ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है, जो छोटे छोटे पॉकेट्स में पूरे जिले में मनाया जाएगा। हमारा जो है आज दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा, 24 अप्रैल को हम समापन कराएंगे और उसके विभिन्न विभिन्न दिनांकों में हमने अलग अलग प्रोग्राम इसमें रखे हुए हैं, जिससे कि लोगों की जो ज़िंदगी है, जो सफ़र है, सुरक्षित हो सके और हम करें और जितने भी नियम बने हुए हैं उनका पालन करके आप हमारे, मेरे देश का, मेरे ज़िले का और आप अपने परिवार का सहयोग करेंगे। अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि आप यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।